और इस बीच रायसेन से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, जहां अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है उसका जीता जाता इसका उदाहरण ग्राम खान बरेली में वन विभाग की टीम पर हमला किया गया। लकड़ी माफियाओं ने हमला किया है, अवैध लकड़ी माफिया पर कार्रवाई करने टीम पहुंची थी, आरोपियों की तलाश जारी है। सिलवानी क्षेत्र में अवैध लकड़ी का कारोबार धड़ल्ले से जारी है, माफिया पहले भी इस तरह से वन विभाग की टीम पर हमला कर चुके हैं। तो आरोपियों की तलाश जो है वो जारी है और अपराधियों के हौसले रायसेन में बुलंद देखे गए हैं। ग्राम खान बरेली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां टीम पर हमला किया गया है, लकड़ी माफियाओं ने ये हमला किया है और अवैध लकड़ी माफिया पर कार्रवाई करने जो टीम पहुंची थी उन पर ये हमला किया गया है। दुनिया ये पहला मामला नहीं, इसके पहले भी इस तरह से वन विभाग की टीम पर माफिया जो है हमला करते हैं। जब जब टीम यहाँ पहुंचती है, पुलिस यहाँ पर तहकीकात के लिए पहुंचती है, तब तब इस तरह से उन पर हमला होता है। अब हालांकि देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन रायसेन से बड़ी खबर है, जहां लकड़ी माफियाओं ने इस तरह से हमला किया है, कार्रवाई करने के लिए यहां पर टीम पहुंची हुई थी और विभाग की टीम पर ही श्वेता ये हमला कर दिया गया। माफिया पहले भी इस तरीके की हरकतें कर चुके हैं, खबरें लगातार हमारे पास इस तरीके की सामने आती हैं। फिलहाल ये ग्राम खान बरेली का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां टीम पर हमला किया है और लकड़ी माफियाओं ने यह हमला किया है। तो रायसेन से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अवैध लकड़ी माफिया सक्रिय थे, कार्रवाई करने के लिए टीम लगातार यहां पहुंचती है और जब जब कार्रवाई करती है इस तरह से माफिया सक्रिय हो जाते हैं, गिरोह सक्रिय हो जाता है और कई बार पुलिस पर भी हमला कर देता है। और इसका भी नजारा जो है वो यहाँ पर दिखाई दिया, जब एक बार फिर से हमला जो है वो पुलिस टीम पर, वन विभाग की टीम पर किया गया। तो अपराधियों के हौसले बुलंद देखे गए हैं, अवैध लकड़ी माफियाओं ने ये हमला किया है और आरोपियों की तलाश अभी जारी है। अपराधियों के हौसले बुलंद, रायसेन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखना होगा ये आरोपी कब गिरफ्त में आते हैं और कब इनकी गिरफ्तारी होती है, जिस तरह से हमला किया गया है। हालांकि इसके दिनेश यादव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। दिनेश, क्या जानकारी मिल रही, कब का ये मामला है, आगे क्या कुछ पता चल पाया अभी तक आरोपियों का? बिल्कुल, मैं आपको तदनुसार जिस तरीके से बात किया है, तो रायसेन जिले के सिलवानी वन क्षेत्र के पश्चिम रेंज का ये पूरा मामला है। यहाँ पर सूचना मिली थी फॉरेस्ट को कि यहाँ पर अवैध जो है सागवान की लकड़ी का यहाँ का व्यापार जो बड़े स्तर पर यहाँ पर किया जा रहा है। इसी की सूचना को लेकर यहाँ पर फॉरेस्ट की टीम लगभग अपने दर्जन भर के वन विभाग के कर्मचारी साथ यहाँ पर मुख्य पहुंची थी। एक खान मरेली का ये पूरा मामला है, यहाँ पर बात किया तो यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है अवैध सागवान की लकड़ी का यहाँ पर कारोबार होता है, इसी सूचना पर पहुंची थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से बात किया, सिलवानी में ये पहला कोई हमला फॉरेस्ट विभाग की टीम पर नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई हमले हैं जो फॉरेस्ट विभाग की टीम पर हो चुके हैं। वन माफिया इतने यहाँ पर हौसले इतने बुलंद है कि वो किसी भी प्रकार का उनको डर नहीं है, फॉरेस्ट विभाग की टीम पर हमला कर देते हैं। सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से कई बार ऐसी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, लेकिन भी उसके बाद भी अभी कोई ऐसी जो है यहाँ पर जो रुक नहीं रहा है कि अवैध लकड़ी माफिया जो कहीं ना कहीं अपना काम रोक सकें, तो सवाल ये उठता है कि अब फॉरेस्ट विभाग को ऐसे माफियाओं पर सख्ती से कार्रवाई करे जिससे कम से कम उनमें डरो, क्योंकि यहाँ खुलेआम जो माफिया है जो फॉरेस्ट विभाग की टीम पर हमला कर देते हैं। फिलहाल पुलिस ने भी इस मामले को संज्ञान लिया है और पुलिस हर बार संज्ञान लेती है और अब देखना होगा क्या कुछ होता है। हालांकि रसूखदारों की मिली भगत भी कई बार सामने आती है जब इस तरह से हमला करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।